पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। तो अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका जो रेडियस है वो दिया हुआ है, रेडियस है 20/π, क्लियर है। ये बात हमको पता है कि रेडियस 20/π है विथ कॉन्स्टेंट टेंजेंशियल एक्सलेशन। ध्यान देना कि टेंजेंशियल एक्सलेशन कॉन्स्टेंट है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और किसी भी इंस्टेंट लीनियर स्पीड जो है वो 80 मीटर पर सेकेंड है, क्लियर है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड रिवोल्यूशन, आफ्टर द सेकेंड रिवोल्यूशन ऑफ द मोशन, मतलब एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, एक रोटेशन में 2π, तो सेकेंड रोटेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बोलो, 4π, एक बार घूमने में 2π, तो दो बार घूमने में 4π। तो टेंजेंशियल एक्सलेशन एक ही वैल्यू निकालनी है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक ही वैल्यू। अब एक ही वैल्यू कैसे आएगी यार, ठीक है, एक ही वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो रेस्ट से चला है, ठीक है, ए पार्टिकल मूव अलोंग द सर्किल विद इफ द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द सेकेंड सेकेंड बी गेट टेंजेंशियल एक्सलेशन। तो ये जो है पार्टिकल के जो है ओमेगा, ओमेगा, तो ये, तो अगर मैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी थीटा लगाता हूँ तो यहाँ से मुझे टेंजेंशियल एक्सलेशन मिल जाएगा यार, ठीक है। तो भी इज इक्वल टू होता है क्योंकि इनिशियली मैं रेस्ट मान लेता हूँ, तो अल्फा थीटा दैट इज द ओमेगा। अब भी इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो ये आ जाएगा भी अपॉन आर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ए स्क्वायर होता ना यार, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू और अल्फा, और ए इज इक्वल टू होता है आर अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन आर और ए थीटा। तो यहाँ से जो ए है वो लीनियर एक्सलेशन ही है, ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा। तो वेलोसिटी बी की वैल्यू रखो आर, एक आर ने आर खत्म को कर दिया, तो लीनियर एक्सलेशन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ए की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन आर थीटा। अब वैल्यू डाल दो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 80 मल्टीप्लाइड बाई 80, ठीक है, चलो। और आर की वैल्यू कितनी है, आर इज इक्वल टू है 20 और डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है, और थीटा की वैल्यू कितना है 4π, ठीक है 4π, तो पाई ने पाई को, 2 ने 8 ने 8 को, 0 ने 0 को, हमने एक लिटिल बिट मिस्टेक किए हैं भैया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये 2θ होता है ना, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है, तो वही कर रहा हूँ, 2 मिसिंग था यहाँ, तो दैट इज 40, तो 40 ये पाई नहीं आएगा, यहाँ सही कर लेना, 40 मीटर पर सेकेंड, द टेंजेंशियल एक्सलेशन इज 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इट नॉट इक्वल टू पाई, क्लियर।